मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंचे बीजेपी, जहां का पंकज मिश्रा के खिलाफ भी बीजेपी चुनाव आयोग पहुंची। बीजेपी विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सुधीर श्रीवास्तव के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल बीजेपी का चुनाव आयोग पहुंचा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी का पुराना वीडियो एक्स हैंडल में पोस्ट करने का आरोप है। साथ ही बोकारो के एक डीएसपी आलोक रंजन को हटाने की मांग की गई है। डीएसपी पर कांग्रेस प्रत्याशी श्वेता सिंह के लिए खुलकर काम करने का आरोप है। वही चुनाव आयोग ने जांच के आदेश दिए हैं। सोरेन जी ने आज एक पोस्ट किया एक्स हैंडल पर अपना 2009 का एक वीडियो हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री बाबूलाल मरांडी का, और लिखे कि ये सुना जाना चाहिए, और वो साइलेंस पीरियड चल रहा है। आप उस वीडियो को सुना के चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं और आप अपने को साबित कर रहे हैं कि हम लॉ से अबव है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो वो पूरा उनका वीडियो का जो पूरा जो आपके द्वारा कहा गया है उसका स्क्रीनशॉट लगा के हम लोगों ने चुनाव आयोग को दिया है। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का से आज बरहेट विधानसभा में दबंगई चला, उस सभी का साक्ष्य के साथ कि कैसे उनका दो जगह नाम है, उसके बाद क्या क्या उन्होंने दिन भर किया, उस सब का साक्ष्य के साथ आज हम लोगों ने जमा किया है। और साथ में एक बोकारो के सिटी डीएसपी हैं, दबंग डीएसपी हैं, सरकार के डीएसपी हैं, इसलिए जम के खूब कांग्रेस के पक्ष में मतदान करवाए और हमारे प्रत्याशी बिरंची नारायण से भिड़ भी गए, उनका भी पूरा साक्ष्य के साथ हम लोगों ने आज ला के यहाँ पर जमा किया है। और इस सभी मामले में मुख्य चुनाव पदाधिकारी ने तत्काल जांच के आदेश दिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखे।